नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाब और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई भी सड़क हो, पुल हो, एक्सप्रेस वे हो, जब उसका शिलान्यास होता है या उसका उद्घाटन होता है तो जो सत्ता में शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, उनका ये कहना होता है कि ये काम उनके द्वारा किया गया है। जो नेतागण विपक्ष में होते हैं वो ये कहते हैं कि सारा काम उनकी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई है, सिर्फ सत्ता में बैठे लोग फीता काट रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं सड़कों का, उन्हीं पुलों का और उन्हीं एक्सप्रेसवे की हालत खराब हो जाती है कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही वर्षों बाद, तो ये उद्घाटन करने वाले और उस काम को करने का दावा करने वाले लोग कभी उसकी जिम्मेवारी लेने नहीं आते, कभी उसकी जांच करने नहीं आते कि जिस सड़क, जिस पुल और जिस एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया है वो अब कुछ महीनों बाद ही सही किस स्थिति में है। आइए, आज मैं छपरा के एक वैसे ही सड़क से आपको रूबरू करा रहा हूँ और मिलवाता हूँ। आप देखिए ये वीडियो, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये सड़क बिशुनपुरा और महिया को जोड़ने वाली सड़क है और इसके बोर्ड पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस पे भारी गाड़ियों का आवागमन बंद है, बाधित है, लेकिन निर्विरोध और बिना किसी रोक टोक के इस पे भारी गाड़ियां जैसे ट्रक, लोडेड ट्रक चल रही हैं और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस सड़क पे कितने, ये यहाँ ये गिट्टी रोड है जिसपे बना हुआ रोड, ये आप देख सकते हैं कि पूरा मिट्टी हुआ पड़ा है और इसपे धूल उड़ रही है। तो इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आने वाले लोग, अगर जैसे अभी मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ और बगल से कोई गाड़ियां गुजरी तो मैं धूल से, आप देख सकते हैं जैसे ये पीछे भारत सरकार की ही गाड़ी आ रही है और आप देखेंगे कि ये पूरा धूल से सना हुआ है। हम लोग धूल से अभी तक पूरा सन चुके हैं और इस सड़क की स्थिति, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा आगे आके और दिखाएं। आप देखिए बहुत सारे आ रहे हैं, कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है और इस सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है बिशुनपुरा और महिया के बीच में, जिसके और जितने भी लोग इस सड़क निर्माण का क्रेडिट लेते हैं, चाहे वो इसमें काम करने वाले वर्कर हो, इंजीनियर हो, कंट्रेक्टर हो, सांसद हो, विधायक हो, सरकार हो, किसी को इस बात कोई परवाह नहीं है कि पब्लिक से लिए गए पैसे से बनी हुई ये सड़क, इसका भविष्य क्या है, ये कितने दिनों तक टिकने वाली है, सबको सिर्फ इस बात से मतलब है कि फीता काटने वाले दिन इसका अपने नाम पे क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं धूल की जो वर्षा हो रही है हमारे ऊपर, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस सड़क की स्थिति कैसी है। आइए अब इसके बारे में, यहाँ जो कार्यरत जवान है, पुलिस फोर्स के जो जवान है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जब बोर्ड लगा हुआ है कि भारी गाड़ियों का आवागमन बाधित है, फिर भी ये गाड़ियाँ सुचारू रूप से और बिना रोक टोक के कैसे चल पा रहे हैं, आइए बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ ये जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि भारी वाहनों का आवागमन बंद है, लेकिन फिर भी आप दिखाइए जरा, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, दिखाइए जरा इधर, आप देख सकते हैं कि भारी वाहनों का आगे, एक बार जरा इधर भी देखिए, ये गाड़ी आ रही है।
बता रहे हैं प्रशासन की मर्जी से भारी गाड़ियों का आवागमन इस पे होने दिया जा रहा है। हाँ, जब ऊपर वाला था तो दोस्तों देखा आपने, जब हमने वहाँ ड्यूटी पे जो जवान थे उनसे बात की, जो बिहार पुलिस के जवान थे उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि ये आदेश ऊपर से है कि इसे जाने दिया जाए, और इसकी वजह से वो कोई इसमें रोक टोक नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो छोटे अधिकारी हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनका कार्य सिर्फ इतना है कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलती रहे, जिसका वो भरपूर पालन कर रहे हैं। लेकिन अब ये आदेश ऊपर से है या कोई और बात है, हम आगे इस पे पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सड़क कुछ दिनों पहले बनती है, वो उस सड़क की स्थिति जब ऐसी होती है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, और इसके लिए एक पूरा का पूरा तंत्र दोषी होता है। सिर्फ काम करने वाले वर्कर, इंजीनियर, कंट्रैक्टर तक ही सीमित नहीं होता, एक पूरा का पूरा तंत्र जिम्मेवार होता है। अब किसी ने भी अगर अपनी ड्यूटी सही तरीके से की होगी, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अगर अपनी ड्यूटी सही तरीके से की होगी, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, या जिन जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनका इसमें जिनका कार्य है ये देख रेख करना, अगर उन्होंने भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से की होती तो उन्हें ये पता होता कि इसमें कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। इस सड़क को इतना कमजोर बनाया जा रहा है जिससे कुछ ही दिनों बाद इस सड़क की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब आप ऐसे बने हुए सड़क पे चलते हैं, गिट्टी से बने हुए सड़क पे चलते हैं, तो आप धूल से नहा जाते हैं, धूल से सन जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार वो सारे लोग भी हैं जो इन सारी बातों पे चुप बैठते हैं, तो आप दर्शक जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाइए। जब अगली बार ये सांसद, ये विधायक और जो भी प्रतिनिधि आपके दरवाजे पे आए, आप उनसे अपने हक के लिए सवाल कीजिए कि एक ही सड़क को बार बार बना के हमारे पैसों का दुरुपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो सड़क आज खराब हुई है फिर बनेगी ये सड़क, और ये पैसे भी आप ही के द्वारा, आप ही से लिए जाएंगे, कोई सरकार अपने घर से नहीं लाएगी। तो ऐसे ही मुद्दों के साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए फेरेट आउट, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कुमार मीणा, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए फेरेट आउट के साथ, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज़।